नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इंजे में जो 2 नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो इसमें सबसे पहले भाषा है। भाषा एक सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति करता है उसे हम भाषा कहते हैं। हिंदी के अंदर जैसी भाषा होती है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा है आपके लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा का मतलब होता है कि इसमें इस भाषा का उपयोग परस्पर मनुष्य वार्तालाप एवं मंच के माध्यम से बोलकर है, जो इसका उपयोग है जो किया जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार या भेद है वो है आपके लिखित भाषा। तो मनुष्य जिस भाषा को व्याकरण के लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित ध्वनि को लिखित भाषा है जो कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। इसका जो सामान्य अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी मनुष्य अपनी वाणी को जिसके माध्यम से प्रस्तुत करता है उसे हमें जो भाषा कहते हैं। भाषा की मुख्य जो इकाइयाँ होती हैं वो 5 होती हैं, जिसमें सबसे पहले हैं आपके ध्वनि। मनुष्य के मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी या स्वतंत्र आवाज़ उसे हमें जो ध्वनि कहते हैं, और इसी का प्रयोग मनुष्य है जो मौखिक भाषा के रूप में जो करता है। उसके बाद में जो दूसरी है वो है जो वर्ण, इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं, और इसका प्रयोग है जो मनुष्य भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में रहता है, और हम इससे और अधिक है जो भाग हैं जो नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका जो रूप है वो होता है आपके शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, यानी इसमें जो आपके 3 वर्ण हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, और इन 3 को आपस में जोड़ने से एक है जो सार्थक शब्द है जो बन जाता है। उसके बाद में जरा चौथा भाग है वो वाक्य में पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। जैसे कोई वाक्य होगा है राम ने रावण को मारा, तो उसमें जैसे राम ने, दूसरा है आपके रावण को, और तीसरा है मारा। तो ये 3 आपके हैं जो एक पद होते हैं। उसके बाद में 5वां बिंदु है इसमें वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, यानी इसके अंदर जितने भी जो शब्द आए हुए हैं, जैसे वह विद्यालय और जाता है, तो ये जो 3 शब्द हैं इनका अपना अपना कुछ एक महत्वपूर्ण अर्थ है जो होता है।